गाइस एक्सबॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है यार। इसके अंदर क्या हो गया? ओ भाई, ये इसका बैटरी का कनेक्शन है, यहाँ से ये टूट गया है कम्प्लीटली। तो अभी एक और बैटरी आई है मेरे पास, इसको लगा के देखते हैं। इसके अंदर बैटरी का कनेक्टर मैं लगा ही रहा था, उतने में यहाँ पे खतरनाक सा स्पार्क निकला है इसके अंदर से। ये देखो मेरा हाथ यहाँ पे जलते जलते रह गया है। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि इसको दलदल में क्यों नहीं चलाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो फुल टू धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे एक मर्सिडीज कार में लेके आ चुका हूँ। इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बड़े साइज की कार है यार। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ XRT के साथ और एक्स मैक्स के साथ। देखते हैं गाइस इन तीनों में से आज कौन जीतता है, पुशबैक में और टग ऑफ वॉर में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मेरी XRT के साथ आज मैं मेरी इग्निस कार को पुल कराने की कोशिश करूंगा। देखते हैं गाइस क्या ये कार इग्निस कार को खींच पाएगी या फिर नहीं। एक्स मैक्स के साथ जब मैंने मेरी कार को खींचने लगाया था, जब मैं था रोड के ऊपर, अब मैं हूँ कम्प्लीटली ऑफ रोड में। देखते हैं गाइस एक्स मैक्स भी क्या इग्निस कार को ऑफ रोड में खींच पाएगी या फिर नहीं। बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होगी गाइस, क्योंकि एक्स मैक्स के अंदर मैंने रिसेंटली मोटर चेंज कर दिया पूरी तरीके से। इसके मोटर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी यार, इसको लास्ट टाइम पानी के ऊपर चलाया था तब इसके मोटर के अंदर काफी बड़ी दिक्कत आ चुकी थी, ये ज्यादा पावर नहीं जनरेट कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने ये मोटर निकाल के इसके अंदर दूसरी वाली मोटर लगा दिया। गाइज अगर मैं आपको एक्स मैक्स की इसके साथ साइज कंपैरिजन करके बताऊं तो क्लियरली आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा बड़े साइज की है एक्स मैक्स के मुकाबले में। इसकी हाइट भी काफी ज्यादा है, इसके सामने हेडलाइट्स है, इस तरह की ग्रिल है, इसके अंदर कोई भी आपको लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि ये ABS मटेरियल से बनाई गई है। दोनों के टायर्स ऑलमोस्ट आपको उतने ही लगेंगे, पर मर्सिडीज के टायर जो है एक्स मैक्स से भी ज्यादा बड़े साइज के हैं, पर इसके टायर्स कंप्लीटली प्लास्टिक के बने हुए हैं। अगर XRT को मैं मर्सिडीज के साथ कंपेयर करके बताऊं, ये यार बहुत ज्यादा छोटी लग रही है मर्सिडीज के सामने। ये मेरे को XRT से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। टायर्स की बात करूं तो क्लियरली देख सकते हो मर्सिडीज के टायर्स XRT से भी काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं। इसके अंदर एक नॉर्मल बैटरी आती है, तो वो बैटरी मैंने इसके अंदर से निकाल के लिथियम वाली बैटरी डाल दी है, और पीछे के व्हील्स के पास यहाँ पे जो मोटर्स है वो बहुत ही छोटी छोटी आया करती थी। अब इसके अंदर मैंने काफी बड़े साइज की मोटर इस तरफ और इस तरफ भी लगा दिया, टू व्हील ड्राइव पे ही चलती है। चलो गाइस अब कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। पहले देखो कार के अंदर तरह का ये जो हुक है ये लगा देता हूँ मैं, ये रही रस्सी, तो रस्सी मैंने हुक के अंदर लगा दी है। अब ये रस्सी को बांधते हैं XRT के साथ। पहले देखते हैं गाइस क्या XRT अपनी मारुति सुजुकी इग्निस को खींच पाती है, यानी अपनी पावर से। यार मेरे को तो डर लग रहा है कहीं इसका व्हीली बार ना टूट जाए। रस्सी तो बन चुकी है पूरी तरीके से, अब कार को डालते हैं न्यूट्रल में। कार को खोल लिया मैंने और कार है अपनी रिवर्स मोड में, तो अब इसको मैं करता हूँ न्यूट्रल में। पहले धीरे धीरे कोशिश करेंगे गाइस, देखते हैं इसके अंदर कितना दम है। ओए गाइस ये तो खींच भी नहीं पा रही है, देखो यहाँ पे इसने इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। अब इसको एकदम फुल स्पीड में चलाने के लिए ट्राई करते हैं गाइस। ये लो फुल ट्रिगर मैंने दे दिया, यहाँ पे कार पूरी कोशिश कर रही है, मिट्टी होने के कारण इसके व्हील्स यहाँ पे स्लिप हो रहे थे। अब देखो गाइस इसको ट्रैक्शन मिल चुका है, इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। धीरे धीरे करके इसने मेरी कार को भी खींचना चालू कर दिया है। गाइस मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि XRT इसको इतनी खतरनाक तरीके से वो भी ऑफ रोड में खींचेगी। यहाँ पे देखो बोनट के ऊपर इतनी ढेर सारी मिट्टी आके गिरी है, ये मिट्टी नॉर्मल नहीं है गाइस, इसके ऊपर आके लगी है, तो इस वजह से देखो पेंट भी खराब हो चुका है कार का थोड़ा बहुत। ये आ चुकी है एक्स मैक्स के पीछे भी रस्सी बांध दिया मैंने, अब इसको ट्राई करते हैं गाइस। ये लो एक्समैक्स स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे मिट्टी के ऊपर पूरी कोशिश कर रही है पकड़ बना के कार को खींचने के लिए, पर ये थोड़ा सा फिसल रही है यार, तो इसको थोड़ा यहाँ पे मैं रख देता हूँ ताकि ये एकदम झटके से इसको खींचे। आप देखो इसने खींचना चालू कर दिया है मेरी कार को। ओ माय गॉड, काफी आराम से खींच के लेके जा रही है। देखो गाइस यहाँ पे भी अंदर कोई नहीं है, पीछे नहीं है, कोई भी साइड से इसको धक्का नहीं लगा रहा है, ये पूरी की पूरी पावर जो है एक्स मैक्स की है। यहाँ पर आकर ये रुक गई यार।
थोड़ी दूर तक ही खींचा यार, उसके बाद एक्स मैक्स खींचना बंद कर चुकी है। इसने XRT से थोड़ा सा कम खींचा है अपनी कार को। एक और बार कोशिश करते हैं, देखते हैं इस बार ये और थोड़ा दूर तक इसको खींच पाएगी या फिर नहीं। फुल ट्रिगर मैंने अभी दबा दिया है, नहीं खींच पा रही है गाइस। देखो यहाँ पर ये फिसलने लगी है। अब देखते हैं क्या ये अपनी कार को खींच पाएगी या फिर नहीं। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं। आवाज तो बड़ी दमदार है गाइस इसके अंदर, देखते हैं इसको चला के अभी। ओए ये देखो इसके व्हील्स यहाँ पे स्लिप होने लगे हैं। रीजन गाइस क्योंकि इसके व्हील्स कम्प्लीटली प्लास्टिक के ही बने हुए हैं। और ये कार फोर व्हील ड्राइव भी नहीं है गाइस, इस वजह से इसके सिर्फ दो व्हील्स में ही पावर आ रही है। यहाँ पे देखो एक बहुत ही खतरनाक सा टेरेन है, यहाँ पे हर एक कार फ्लॉप हो गई थी यहाँ पे चढ़ने के मामले में। अब देखते हैं क्या एक्स मैक्स यहाँ से चढ़ पाएगी या फिर नहीं। देखो गाइस काफी बड़े बड़े पत्थर है और इनकी हाइट भी काफी ज्यादा है। पिछली बार मैंने यहाँ पे XRT और स्लेज को चलाया था तो XRT काफी आराम से चली थी ये टेरेन में। अब देखते हैं क्या एक्स मैक्स भी XRT के जैसे यहाँ पे चल पाएगी या फिर नहीं। काफी आराम से यहाँ से ये चल रही है, पर एक दिक्कत मेरे को लग रही है गाइस, इसका व्हीली बार जो है पीछे पत्थरों से टकरा रहा है और इसकी चैसिस भी पत्थरों से टकरा रही है। इस वजह से चैसिस के ऊपर काफी ज्यादा लाइंस और काफी ज्यादा स्क्रैचेस गिर चुके हैं। अब देखते हैं गाइस क्या मर्सिडीज ये खतरनाक से टेरेन में चल पाएगी या फिर नहीं। ओए देखो भाई सेम दिक्कत, पीछे का व्हील स्लिप होने लग रहा है क्योंकि सामने के व्हील में बिल्कुल भी पावर नहीं है। इसके स्पीड में लेके आके चढ़ाते हैं गाइस, देखते हैं इस बार चढ़ पाती है। तो गाइस ये फेल हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही है यहाँ पे। अब एक्स मैक्स को एक काफी खतरनाक सी जगह पे मैं चलाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ घास नजर आ रही होगी, पर घास के नीचे पानी भी है और एक गहरा दलदल भी। एक इंसान तो यार इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो अब देखते हैं क्या एक्स मैक्स यहाँ से निकल के आ पाएगी या फिर नहीं। देखो यार काफी आराम से चल रही है, जब ये चल रही है ना तो देखो कितनी ऊपर तक कीचड़ और पानी उछल रहा है। तो मेरे को लगा था गाइस एक्स मैक्स यहाँ पे फंस जाएगी कीचड़ के अंदर, पर भाई साहब इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि देखो एक राउंड लगा के भी ये वापस आ चुकी है दलदल में से निकलने के बाद। इसकी हालत तो देखो कितनी ज्यादा खराब हो रखी है। एक काम करती है अभी सेम जगह पर XRT को भी चला के देखते हैं। XRT भी काफी बढ़िया तरीके से चल रही थी, मैं इसको चला ही रहा था उतने में ये काफी खतरनाक सा कांड हो गया यहाँ पे। गाइस एक्स मैक्स के अंदर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है यार। ओ माय गॉड इसके अंदर क्या हो गया। ओ भाई मोटर के अंदर से धुआं निकल रहा है और ये देखो ये इसका ESC है, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे देखो गाइस ये इसका बैटरी का कनेक्शन है, यहाँ से ये टूट गया है कम्प्लीटली। जैसे कि आप देख सकते हो रेड कलर का वायर एक्चुअली यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए, ये कुछ इसके अंदर शॉक सर्किट हो चुका है, इस वजह से अब मेरे को नहीं लगता गाइस ये चलेगी। काफी खतरनाक चीज हो चुकी है यार इसके साथ तो। अभी एक और बैटरी आई है मेरे पास, इसको लगा के देखते हैं इसके अंदर। बैटरी का कनेक्टर मैं लगा ही रहा था उतने में यहाँ पे खतरनाक सा स्पार्क निकला है इसके अंदर से। ये देखो मेरा हाथ यहाँ पे जलते जलते रह गया है। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि इसको दलदल में क्यों नहीं चलाना चाहिए। दलदल में चलाने के कारण इसके ESC में या फिर मोटर के अंदर काफी ज्यादा कीचड़ जम गया होगा, इस वजह से देखो ये कम्प्लीटली खराब हो चुका है। एक्स मैक्स के चक्कर में XRT को मैं यहीं पे ही भूल गया था। अब इसको थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं क्या इसका भी हाल एक्स मैक्स सही होता है। देखो ये भी काफी ठीक ठाक तरीके से चल रही है, पानी देखो कितनी ऊपर तक ये फेंक रही है। तो ये वापस आ चुकी है, इसकी भी हालत देखो कुछ ठीक नहीं है गाइस, बहुत ज्यादा इसके अंदर भी पानी घुस चुका है और कीचड़ घुस चुका है। अब देखो गाइस XRT यहाँ पे आ चुकी है और मर्सिडीज इधर है, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मर्सिडीज को ही जीतना चाहिए क्योंकि मर्सिडीज का साइज देखो और XRT का साइज देखो, पर सरप्राइजिंगली XRT ने इसको पीछे ढकेल के रख दिया है और मर्सिडीज कुछ भी नहीं कर पा रही है। XRT इसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुकी है, बिल्कुल भी यहाँ पे मर्सिडीज को चांस नहीं दे रही है। ओ भाई साहब इसने तो इसके ऊपर चढ़ाई कर दी है कम्प्लीटली। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे देखो XRT ने अपनी छाप छोड़ दी है पूरी तरीके से, ये इसके व्हील्स के निशान है यार, मेरे को नहीं लगता अब ये जा पाएंगे कम्प्लीटली। ये कार तो अब डैमेज हो चुकी है, ठीक है पुशबैक में तो मर्सिडीज को नहीं आ रहा भाई थी। अब तक फोर में देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे भी XRT काफी खतरनाक तरीके से इसको घसीट के लेके जा रही है। मर्सिडीज के अंदर मैंने ब्रेक्स भी लगा दी है, फिर भी ये इसको बहुत बुरी तरीके से मिट्टी के अंदर घसीट के लेके जा रही है। क्लियरली वापस XRT यहाँ पे जीत चुकी है। अब देखो गाइस वेट कैरी टेस्ट में करने वाला हूँ, ये कार काफी ज्यादा भारी भरकम है यार, इसको उठा के मैं रखूंगा अपनी XRT के ऊपर, देखते हैं क्या XRT
इतनी भारी भरकम कार को लेके चल पाएगी या फिर नहीं। XRD कम्प्लीटली दब चुकी है यहाँ पे। इसके अंदर देखो किस तरीके की आवाज आने लग रही है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे से चलाएंगे तो ठीक ठाक तरीके से इतना ज्यादा वेट भी XRD लेके चल सकती है। भाई मजा आ गया, मैंने तो इसको स्पीड में भी चला के देख लिया है, काफी बढ़िया तरीके से इसको ये लेके चल रही है। तो गाइस देखो, इसने तो इसका वेट काफी आराम से उठा लिया है। अब देखो मर्सिडीज कितना वेट उठा सकती है ये एक बार चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं रखूंगा XMAX को और XRD को भी रखते हैं गाइस। यहाँ पे रखते हैं XRD को, देखते हैं क्या मर्सिडीज इतना ज्यादा वेट लेकर चल पाएगी या फिर नहीं। अरे गाइस देखो, ये तो बहुत आराम से लेके जा रही है, इतना ज्यादा वेट। बताओ गाइस XMAX का वेट कितना ज्यादा होता है और XRD का वेट कितना ज्यादा होता है। दोनों को ही ऊपर रख के काफी आराम से चल रही है। अब इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में भी चलाते हैं। देखो घास के अंदर भी ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। अरे रे रे गाइस, ये क्या हो गया, इसकी तो विंडशील्ड टूट गई यार पूरी तरीके से। ये देखो, ये रही इसकी विंडशील्ड। अच्छा तो ये टूटी नहीं है, यहाँ इस तरीके से लग भी जाएगी। तो गाइस ये जो कार है पुशबैक में हार गई थी, टगो फोर में भी हार गई थी, पर ये काफी ज्यादा वजन उठा सकती है यार। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको XRD अच्छी लगी, XMAX अच्छी लगी या फिर ये मर्सिडीज RC कार अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है विनायक, राकेश, कार्तिक, साई, संदीप, हसनैन, अक्षित, फरहान, ब्रिजेश, तनिष्क, सुनील। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।